स्वदर्शन चक्रधारी बनने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, इसका अर्थ क्या है? वास्तव में बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि मन के संकल्प श्रेष्ठ हों, बुद्धि में दिव्य ज्ञान हो और कर्म में दिव्य गुणों की धारणा हो, कर्तव्य श्रेष्ठ हो और प्रेरणादायी हो। बहुत करके श्री कृष्ण जी के हाथ में या श्री नारायण के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो बहुत भी देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं सबके हाथ में चार अलंकार हैं, स्वदर्शन चक्र, गदा, कमल का फूल और शंख। तो स्वदर्शन चक्र ये आत्मिक स्मृति का ज्ञान, स्व मीन्स सेल्फ, आत्मा को सदा स्मृति रहे, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ और मैं किस कर्तव्य के लिए इस साकार सृष्टि पर उपस्थित हूँ। और जब ये आत्मिक स्थिति का मंथन, अभ्यास और अनुभव बढ़ता है तो मन के व्यर्थ समाप्त संकल्प समाप्त हो जाते हैं, पर चिंतन दोष दर्शन खत्म हो जाता है और आत्मा अंतर्मुखी बनकर अपना दर्शन करती है कि मुझ आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो जब इस समय आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप शांति का और पवित्रता का अनुभव होता है तो वो टाइम है विजयी स्वरूप रहने का, यानी चक्रवर्ती राजा सम्राट को कहा जाता है, जो सबसे बड़ा राजा हो। तो हम आत्माएं इस समय जब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती हैं और सृष्टि चक्र के पूरे ज्ञान को, अपने आप को तथा परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के अनुभव में परिपक्व होती हैं, तो नर से श्री नारायण और नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है। तो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा को पूरे ही चक्र का वो जो दिव्य संस्कार संगम और सतयुग वाला है वो स्वाभाविक बन जाता है। तो पहले वो अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनता है, मन के अधीन नहीं होता पर चिंतन में व्यस्त नहीं होता। तो इस पहला स्टेप है कि चक्रवर्ती बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं, सारे चक्र के मालिक बनते हैं, यानी सारे चक्र में, सृष्टि के चक्र में हम श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होते हैं। शांति धाम से लेकर के कलयुग के अंत तक आत्मा में अंदर गुणों की धारणा स्वाभाविक रहती है। इसलिए अगर हर एक मनुष्य को ये लक्ष्य रहे कि मैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा हूँ, तो लक्ष्य और लक्षण समान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से तुम हर चक्र में, हर साइकिल में विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले, वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने वाले, दूसरी आत्मा को प्रेरणा देने वाले, जैसे कि राजा बन जाते हो, तुम्हारे अंदर रॉयल्टी, स्पिरिचुअलिटी, प्योरिटी, डिविनिटी नेचुरल हो जाती है। उसमें युद्ध करने की बात नहीं, युद्ध करके विजय नहीं होते, परंतु हरेक के हृदय पर विजय प्राप्त करने वाले पूजनीय मूर्त देवता बन जाते हैं। और वो सारे संस्कार, सारे साइकिल में सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक कुछ परसेंटेज तक रहते जरूर है। ओम शांति।